आज राज्यसभा की 16 सीटों के लिए 4 राज्यों में वोटिंग, महाराष्ट्र की 6, राजस्थान और कर्नाटक की 4-4 और हरियाणा की 2 सीटों पर मतदान। शाम 5 बजे होगा मतगणना। राजस्थान में निर्दलीय उम्मीदवारों ने फंसाया पेच। राजस्थान राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर। आमेर में 12 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया गया। सुबह 9 बजे तक रहेगा बंद। कांग्रेस के सभी विधायकों को इस इलाके के होटल में रुकाया गया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र में बड़ी हलचल। जयपुर में कड़ी निगरानी में कांग्रेस विधायक। चंडीगढ़ में एक साथ दिखे एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने वाले भूपिंदर सिंह हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चंडीगढ़ पहुंचे। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन की जीत का किया दावा। बघेल ने कहा, हमारे पास पूरे नंबर हैं, हमारी जीत होगी, किसी बात का डर नहीं है। पीएमएलए कोर्ट में नवाब मलिक और अनिल देशमुख को बड़ा झटका। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग नहीं करेंगे महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका कोर्ट ने खारिज की। बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों के वोटों को सील कवर में रखने और फिलहाल गिनती में शामिल न करने की याचिका दाखिल। सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई करने की मांग। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जा सकता है मामला। कानपुर में आज फिर होगी जुमे की नमाज। पिछले जुमे की नमाज के दौरान ही हिंसा हुई थी। अब प्रशासन ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए। कानपुर में धारा 144 लगाई गई। यूपी के दूसरे जिलों में भी पुलिस कर रही है हिंसा को रोकने की मॉक ड्रिल। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी को विदेश से फंडिंग की आशंका। बैंक खातों में है करोड़ों का लेन देन। सूत्रों के मुताबिक ईडी को जफर के बैंक अकाउंट की डिटेल देने की तैयारी में है कानपुर पुलिस। मुख्यमंत्री योगी ने जुमे की नमाज पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखने का दिया निर्देश। योगी ने कहा, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के साथ होनी चाहिए सख्ती। मेरठ में ड्रोन से रखी जा रही नजर। सोशल मीडिया पर बंद के मैसेज पर भी प्रशासन की पैनी नजर। पैगंबर मोहम्मद साहब और टिप्पणी करने के बाद लगातार 10 जून भारत बंदी का मैसेज वायरल होने के बाद पुलिस मुस्तैद है। सिद्धू मूसेवाला हत्या केस में पाकिस्तानी कनेक्शन का खुलासा। सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला की हत्या में पाकिस्तान और आईएसआई का हाथ होने का शक। आईएसआई ने रिंदा को बब्बर खालसा की जिम्मेदारी दी थी। रिंदा के लिए भारत में हमले कराने का काम लॉरेंस करता था। गैंगस्टर गोल्डी बाराड के खिलाफ इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस। गोल्डी बाराड ने ली थी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर की जिम्मेदारी। सलमान खान को धमकी का लॉरेंस बिश्नोई कनेक्शन आया सामने। गैंगस्टर लॉरेंस के गुर्गे विक्रम बराड ने भिजवाई थी सलमान को धमकी वाली चिट्ठी। बब्बर खालसा के खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। पंजाब में खुफिया एजेंसी के मुख्यालय पर हमले और कई ड्रोन वाली साजिश में नाम आ चुका है। मूसेवाला हत्याकांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। दिल्ली पुलिस की हिरासत आज खत्म हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी का आज गुजरात दौरा। विधानसभा चुनाव से पहले 3050 करोड़ के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। नवसारी में नाइक हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स और निराली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। मोदी अहमदाबाद के बोपल में इसरो के केंद्र का मुख्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। अपने गुजरात यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री 7 परियोजनाओं का उद्घाटन, 12 परियोजनाओं का शिलान्यास और 14 परियोजनाओं का भूमि पूजन करेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज महाराणा सहस्त्र वर्षों का धर्म युद्ध पुस्तक का विमोचन करेंगे। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होगा कार्यक्रम। आज गोरखपुर जाएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। नड्डा और सीएम योगी बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय का करेंगे लोकार्पण। गरीब जन कल्याण जनसभा को नड्डा संबोधित भी करेंगे। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन त्रिनेत्र में बड़ा खुलासा। आग लगने की घटनाओं से दिल्ली ने नहीं लिया सबक। बिना फायर एनओसी के चल रही है कई फैक्ट्रियां। प्रयागराज में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के घर चला बुलडोजर। बहादुरगंज स्थित आवास के बाहरी हिस्से पर कार्रवाई। नंदी ने अपने घर के बाहर नाली पर रैंप बनाया हुआ था जिसे तोड़ा गया।
यूपी के इटावा में एक और होटल के मेन्यू में इटालियन व्यंजनों का नाम इटालियन राहुल गांधी रखना होटल मालिक को पड़ा भारी। कांग्रेस ने होटल मालिक के खिलाफ शिकायत की, केस दर्ज न होने पर आंदोलन की धमकी दी। जम्मू के भद्रवाह इलाके में मस्जिद सिख समुदाय विशेष के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में मौलवी पर केस दर्ज। इलाके में कर्फ्यू लगा नूपुर शर्मा पर मौलवी ने कहा था, हमारी मां बहन बेटी को कोई मारे हमें परवाह नहीं, लेकिन अगर हमारे नबी की शान में किसी ने गुस्ताखी की तो उसके टुकड़े कर देंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नूपुर शर्मा पर कार्रवाई की मांग करते हुए शहर इमाम सैयद मासूम अली आजाद और एसपी सांसद डॉक्टर एस टी हसन के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज के बाद नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन दिया। नूपुर शर्मा के पैगंबर पर विवादित बयान पर बोले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रिंदम बागची, कहा ट्वीट या टिप्पणियां भारत सरकार का नजरिया नहीं है, टिप्पणी और ट्वीट करने वालों के खिलाफ संबंधित पक्षों ने कार्रवाई की। विवादित बयान में नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करने वाले एआईएमआईएम सांसद ओवैसी की मुश्किलें बढ़ी, उन्हें ही भड़काऊ बयान केस में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एबीपी न्यूज बोले बीजेपी के पूर्व नेता नवीन कुमार जिंदल, पार्टी ने देश हित में मेरा बलिदान किया, पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद बीजेपी ने जिंदल को दिखा दिया था बाहर का रास्ता, केस भी दर्ज है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, नूपुर शर्मा की वजह से दुनिया भर में देश की छवि खराब हुई, हावड़ा में नूपुर के खिलाफ हुआ था विरोध प्रदर्शन। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कर दी पौराणिक मान्यताओं के तथ्यों में घालमेल, द्रौपदी की जगह सीता का नाम लिया। जैसे एक समय में सीता मैया का चीरहरण हुआ था, वो अब प्रजातंत्र का चीरहरण करना चाहते हैं। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की, मोदी सरकार को घेरा। चुनाव आयोग का ऐलान, 18 जुलाई को होंगे राष्ट्रपति चुनाव, 21 जुलाई को नतीजे आएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए एक विशेष इंक वाला पेन मुहैया कराएगा, मतदान संसद भवन और राज्य विधानसभाओं में होगा। 21 जुलाई को देश को नए राष्ट्रपति मिलेंगे। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किल नहीं हो रही है कम, दिल्ली की अदालत ने सत्येंद्र जैन की कस्टडी 4 दिन और बढ़ाई। सत्येंद्र जैन और उनके परिवार पर फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों की धांधली का लगा है आरोप। राजस्थान सरकार के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को मिली अग्रिम जमानत, दिल्ली की 30 तारीख कोर्ट ने जमानत दी, रेप के आरोप में पीड़ित लड़की ने दिल्ली में दर्ज कराया था केस। दिल्ली में जुटेगा आसियासन विदेश मंत्रियों का कुनबा, पैगंबर टिप्पणी विवाद के बीच नई दिल्ली में 16-17 जून को भारत आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की होगी अहम बैठक। वियतनाम दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम को 12 हाई स्पीड बोट्स भेंट की है, समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में वियतनाम इन बोट्स का इस्तेमाल करेगा, चीन के साथ है वियतनाम का समुद्री सीमा विवाद। महाराष्ट्र में मॉनसून से पहले जोरदार बारिश होने लगी है, मुंबई और आसपास हुई भारी बारिश से जगह जगह जल भराव हो गया है। देश के कुछ हिस्सों में 15 जून के बाद मौसम होगा मेहरबान, 15 जून के बाद यूपी, मध्य प्रदेश और दिल्ली पहुंच सकता है मानसून, असम, मेघालय और अरुणाचल में भारी बारिश का अलर्ट। मेघालय की गारो हिल्स में बाढ़ बारिश का कहर, रूगा नदी पर बना लभड़े का पुल पानी में बह गया, जिजिका को मेगुआ से जोड़ता था पुल, कई गांव प्रभावित। आसाम में मुसीबत की बारिश, गुवाहाटी में जोरदार बारिश हो रही है, भारी बारिश के कारण कई इलाकों में भरा पानी। देश में बढ़ रहे कोरोना के केस, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,240 मामले आए सामने, कुल एक्टिव केस 32,000 के पार, मुंबई में 24 घंटे में 1,702 कोरोना मरीज मिले।
लेयर शॉर्ट परफ्यूम विज्ञापन के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की शिकायत पर दर्ज हुआ केस। लेयर्स ब्रांड के परफ्यूम के ऐड को सामूहिक दुष्कर्म को बढ़ावा देने वाला बताया गया था। दिल्ली के हमीरपुर में गोदाम में लगी भीषण आग, कई किलोमीटर तक फैला धुआं। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसी के फंसे होने की आशंका रही। खेती की जमीन पर बने हैं बड़े बड़े अवैध गोदाम। गुरुग्राम के सेक्टर 65 में बड़ा हादसा। निर्माणाधीन इमारत में काम करते हुए तीन मजदूर 18वीं मंजिल से गिरे। दो मजदूरों की मौत, एक मजदूर की हालत गंभीर। एक ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप, केस दर्ज। मुंबई के बांद्रा में मकान गिरने की घटना पर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। कल दो मंजिला मकान गिरने से युवक की मौत हो गई थी। राजस्थान के भरतपुर में छात्र ने लगाई फांसी। 8वीं में थर्ड डिवीजन आने पर थी दुखी। सुहारी गांव का मामला, सुसाइड नोट में खुदकुशी की वजह बताई। मध्य प्रदेश के सीधी में पति बना माउंटेन मैन। पत्नी के लिए पेश की मिसाल। पत्नी को पानी लाने में परेशानी हुई तो पहाड़ों के ऊपर ही खोद डाला 60 फीट गहरा कुआं। झारखंड के गुमला में रेप के आरोपियों पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। दोनों आरोपियों को गांव वालों ने जमकर पीटा और केरोसिन छिड़वा कर जिंदा जला दिया। एक युवक की मौत, दूसरा अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के बांसवाड़ा में कंबल की रस्सी बनाकर दीवार फांद कर तीन कैदी हुए फरार। पुलिस ने कैदियों की तलाश के लिए बनाई टीम। मुंबई के बोरीवली में 16 साल के लड़के ने खुदकुशी की। मां ने मोबाइल पर गेम खेलने से मना किया था। गुस्से में आकर 16 साल के बच्चे ने ट्रेन के सामने कूद कर जान दे दी। बिहार के सिवान में पंचायत आवास सहायक का घूस लेते वीडियो वायरल। आवास पास कराने के बदले घूस मांगते कैमरे में कैद हुए। जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए गए। दिल्ली के रोहिणी में प्रेमनगर थाना इलाके में दो बच्चियों और उसकी मां पर हमले का मामला। घायल अवस्था में तीनों को अस्पताल में किया गया भर्ती। बच्चियों की हालत नाजुक। मुंबई के मुलुंड में बस पर पत्थर से वार करते युवक का वीडियो वायरल। आरोप है कि बस में कंडक्टर ने चढ़ने नहीं दिया, इसलिए की पत्थरबाजी। पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ा। दिल्ली और यूपी बॉर्डर पर गाड़ियों से शराब की तस्करी कर सकती। गाजियाबाद में चेक पोस्ट लगाए गए। दिल्ली में सस्ती शराब खरीदकर यूपी में ले जाते हैं लोग, जिससे आबकारी विभाग को हो रहा है नुकसान। तमिलनाडु के मदुरई में पटाखों के फटने से मंदिर में लगी आग। कई शेड, दुकान और गाड़ियां आग की चपेट में आई। बीती रात हुआ हादसा, बाल बाल बची श्रद्धालुओं की जान। उत्तराखंड में तेज गर्मी की वजह से सुलग रहे हैं जंगल। रानीखेत के जंगलों में आग लगी। अल्मोड़ा मुख्य मार्ग की घटना। राजस्थान के करवार में रेलवे पुलिस ने युवक से 2 करोड़ रुपए बरामद किए। बिना टिकट की यात्रा कर रहा था, मुंबई से बेंगलुरु जा रहा था युवक। पुलिस ने लिया हिरासत में, जांच शुरू। गुजरात के वडोदरा में 24 साल की लड़की की अनोखी शादी। खुद से शादी कर हर रस्म को निभाया। अकेले फेरे भी लिए, पंडित नहीं मिला तो मोबाइल पर बजे मंत्र। अकेले हनीमून जाने की भी तैयारी। बिना दुल्हे के दुल्हन बनने की थी क्षमा की इच्छा। शहर अंग्रेजी लगे हैं। वो बहुत दूर है। Thank you.
ये सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।